हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि एक छोड़ो दो स्टार्ट कर रहे हैं इकट्ठे, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। बेटा लेक्चर लगाऊंगा बस तीन, ठीक है? तीन लेक्चर में फिनिश करना है बेटा इसको, और उसके बाद बेटा MCQs, देन बेटा कैश बुक सब्सिडरी बुक की बात करनी है स्टार्ट में, ठीक है जी? आओ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, जिसमें आज मैं लेजर की बात ज़्यादा करूँगा बेटा। बाबू आप सब सामने देख रहे हैं, पहले चैप्टर का बेस बना लो, फिर बेटा आपको लिखने का मौका दूंगा। बेटा अभी तक ना हम ना रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, अकाउंट्स में ना बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें से एक एक्टिविटी है रिकॉर्डिंग। अभी तक बेटा हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं जो जर्नल एंट्री के थ्रू होती है। बेटा इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफिकेशन बेटा होता है लेजर के थ्रू, या बेटा इसको हम प्यार से पोस्टिंग बोलते हैं। देन उसके बाद बेटा हम समराइजेशन करते हैं, जो बेटा हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू करते हैं या फाइनल अकाउंट्स के थ्रू करते हैं। सामने देखना बेटा, इसको क्लियर कर दो मैं टर्म को। बेटा अभी तक ना आप जर्नल एंट्री कर चुके हो, जिसमें हम बेटा रिकॉर्डिंग सीख चुके हैं हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की, ठीक है ना? हमने रिकॉर्डिंग करी, लेकिन बेटा हमें रिकॉर्डिंग ना कोई बहुत अच्छा ओवरव्यू नहीं दे पाती कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। समझाने के लिए बेटा एक बात करता हूँ, आप एक कंसर्न हो बेटा जिसका नाम है अमेज़न, ठीक है जी? अब बेटा मैं बोलता हूँ अमेज़न बिग बिलियन डे चल रहा है, ठीक है ना? और आज बेटा उन्होंने 1,00,000 ट्रांजैक्शन करी, जिसमें उन्होंने 1,00,000 प्रोडक्ट बेचे, ठीक है जी? बेटा मैं आपको उनकी जर्नल एंट्री लाकर दे दूँ एक दिन की, 1,00,000 जर्नल एंट्री उन्होंने पास की है। आप जर्नल एंट्री देखकर क्या बता पाओगे कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस कितने पे हो रहे हैं? बेटा कुछ बता पाओगे आप? एक भी आइटम नहीं बता पाओगे आप बेटा 1,00,000 जर्नल एंट्री देखकर। 1,00,000 जर्नल एंट्री कम से कम 20,000 पेज में आएगी बेटा, 20,000 पेज से पता क्या लगेगा बेटा? और ये एक दिन है, ऐसे 365 दिन और हैं बेटा। तो जर्नल एंट्री बेटा कोई बहुत अच्छा ओवरव्यू नहीं दे पाती कि मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। मैं जर्नल एंट्री के बाद क्या करता हूँ बेटा, क्लासिफिकेशन करता हूँ। क्लासिफिकेशन मतलब होता है बेटा एक जैसी जर्नल एंट्री एक जगह पर दिखा दो। कैश से रिलेटेड आइटम एक जगह, सेल से रिलेटेड आइटम एक जगह, परचेज से रिलेटेड आइटम एक जगह, सैलरी से रिलेटेड आइटम एक जगह, स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम एक जगह। बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हमने एंट्री करी है बेटा कैश टू कैपिटल, परचेजेस टू कैश, कैश टू सेल्स, ड्रॉइंग टू कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी बेटा, लेकिन ये चीजें हमें कोई बहुत अच्छा ओवरव्यू नहीं दे सकती। इसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर दिखाना शुरू करता हूँ, और उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं अकाउंट्स का। बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिन्होंने पहले बना लिया उनको बहुत अंदाजा होगा, जिन्होंने नहीं बनाया बेटा उनके लिए बोल देता हूँ, ट्रायल बैलेंस बेटा एक पेज का एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक पेज का स्टेटमेंट। जितनी आपने ट्रांजैक्शन पूरे साल भर में करी है वो बेटा मैं एक पेज पे लिख दूंगा। बेटा ये एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको देता है कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस की एसेट्स कितनी कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी कितनी है, बिजनेस के एक्सपेंसेस कैसे कैसे हैं, बिजनेस की इनकम कैसे कैसे है। बेटा इससे भी अच्छा ओवरव्यू देते हैं हमारे को फाइनल अकाउंट, वो बेटा हमारे फाइनल का सिलेबस है। हाफ ईयरली तक हमें बेटा ट्रायल बैलेंस पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है जी? लेजर समझ में आया किस पर्पस के लिए बना रहा हूँ बेटा, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर दिखाना बेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है ना बेटा? और लेजर में बेटा हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है जी? जिसने ये नहीं लिखा बेटा पहले ये लिख लो। बेटा मैं लेजर की डेफिनेशन तो लिख रहा हूं, जिन्होंने पहले लेजर पढ़ा हुआ है उनको डेफिनेशन देखते ही समझ में आएगी। बेटा जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको डेफिनेशन समझाने के लिए बेटा मुझे एक दिन चाहिए, आज नहीं समझ में आए कि मैं डेफिनेशन लिखकर छोड़ दूंगा, समझाऊंगा बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी? आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं बस ये बात, और मैं लिखूंगा और रब कर दूंगा।
बेटा जल्दी से नोट करो इसको बेटा, फिर बढ़ते हैं हम आगे। लो बेटा, हम बेटा लेजर बनाने सीख रहे हैं, या बेटा प्यार से हम इसको पोस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप टेक्निकल वर्ड ज़्यादा पे फोकस पे रखना बेटा, आपको लेजर ही याद रखना है, ठीक है ना। प्यारा नाम है इसका पोस्टिंग। तो बेटा पोस्टिंग सीखते हैं सबसे पहले एक सिंपल जर्नल एंट्री से। बेटा एक सिंपल जर्नल एंट्री सोल्ड गुड्स, पिछली बार भी मैंने इसी जर्नल एंट्री से सिखाई थी आपको। बेटा आपने क्या जर्नल एंट्री करी होगी जब गुड्स बेचे होंगे? एंट्री करी होगी हमने बेटा कैश टू सेल्स। बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अभी कोई नहीं लिखेगा बेटा, इतनी जल्दी मत कर, ठीक है ना। बहुत टाइम दूंगा लिखने का, टेंशन मत लो। बेटा एंट्री करी होगी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब मैं लेजर बना रहा हूँ, ठीक है जी। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, जितने भी अकाउंट यूज होंगे जर्नल एंट्री में, हर एक का एक अलग लेजर बनेगा, ठीक है जी। जैसे कि बेटा कैश अकाउंट यूज हो रहा है तो इसका एक लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट यूज हो रहा है इसका दूसरा लेजर बनेगा, ठीक है जी। अगर मैं 4-5 एंट्रियां लूँ ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी लेजर की। अभी एक एंट्री से सीखेंगे बेटा, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बनेगा बेटा कैश अकाउंट। अब बाबू लेजर कुछ और नहीं होता, ठीक है ना। आपने बहुत बार पढ़ा है बेटा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या आपने टी शेप अकाउंट पढ़ा था? तो बेटा लेजर कुछ और नहीं होता, टी शेप अकाउंट ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर बेटा थोड़ी कम नॉलेज होती है तो आपको बेटा कोई रूल ऑफ पोस्टिंग सही सिखाए नहीं जाते। यहाँ बेटा क्योंकि कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है तो यहाँ रूल ऑफ पोस्टिंग सिखाए जा सकते हैं। बेटा कोई भी अकाउंट हो, टी शेप अकाउंट कोई भी हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है डेबिट, और राइट हैंड साइड क्या होती है बेटा हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है बेटा, पढ़ा है आपने मुझसे पहले भी। बेटा टी शेप अकाउंट बना रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। बेटा हमेशा ध्यान रखना जब आप कोई भी लेजर बना रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम बनेंगे और बेटा राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है जी। यानी कि बेटा टोटल एक अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम बेटा डेट का कॉलम होता है, उसके बाद बेटा दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम बेटा आपके लिए यूजलेस है लेकिन बनाना है जर्नल फोलियो JF जर्नल फोलियो, और बेटा चौथा कॉलम है बेटा आपके पास अमाउंट, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम, सबसे पहला कॉलम बेटा डेट, दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम बेटा JF और बेटा चौथा कॉलम अमाउंट्स। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि बेटा घूम फिर के बोले तो कोई भी अकाउंट बनाना, कोई भी लेजर बनाना, पोस्टिंग करना, ये टी शेप अकाउंट ही है, ठीक है ना। दिखने में टी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम और राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम। बेटा डेट का कॉलम डेट के लिए यूज होगा, जर्नल फोलियो आपके लिए यूजलेस कॉलम है, आपको जर्नल फोलियो का कुछ भी नहीं करना। रही बात पर्टिकुलर्स और अमाउंट की तो अभी समझ में आ जाएगा बेटा मेरे इसी एग्जाम्पल में। मैंने इस एग्जाम्पल में बेटा डेट नहीं ली तो बेटा मैं डेट का कॉलम छेड़ूंगा भी नहीं। मैं बाबू मैं सिर्फ 2 कॉलम का यूज करूंगा, पर्टिकुलर और अमाउंट, JF का कॉलम का कोई यूज नहीं है आपके लिए, ठीक है जी। अब सुनना बहुत आराम से बेटा, पहला रूल ऑफ पोस्टिंग क्या होता है बेटा, बहुत आराम से समझना। मान लो बेटा ये कैश सेल्स 50,000 रुपए की है, ठीक है जी। मैं कैश अकाउंट बनाने जा रहा हूं बेटा, कैश अकाउंट बनाने जा रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना बेटा जो भी आप अकाउंट बना रहे होते हो, ये जिस साइड में होता है हमेशा पोस्टिंग उसी साइड होती है। यानी कि बेटा मेरी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग कहां पर होगी बेटा? लेजर में पोस्टिंग हमेशा डेबिट साइड होगी। अगर ये कैश बेटा क्रेडिट साइड में होता तो पोस्टिंग कहां होती बेटा? पोस्टिंग क्रेडिट साइड ही होती। कैश अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। डेबिट साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा तो नहीं लिखोगे ना डेबिट क्रेडिट, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं थोड़े दिन में लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही लिखना बंद कर दूंगा, तो आपको याद रखना है ये तो। कैश अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड,
पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। और बेटा जब आप नाम लिखोगे तो कभी भी बेटा कैश का नाम नहीं आता कैश अकाउंट में। नाम किसका आता है बेटा? हमेशा सामने वाली साइड का। बेटा कैश के सामने वाली साइड क्या है बेटा? दिखाई दे रही है सेल्स, तो बेटा नाम किसका आएगा? हमेशा सामने वाली साइड का, कसम खा लो। कैश अकाउंट आप बनाने जा रहे हो, कैश अकाउंट जहां पर लिखा है पोस्टिंग उसी साइड होगी, लेकिन बेटा जब नाम लिखने लगोगे तो बेटा नाम कभी कैश का नहीं लिखोगे, नाम सामने वाली साइड का लिखोगे, यानी कि बेटा आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए का बेटा अमाउंट है? अमाउंट हमेशा कैश के सामने वाली लिखना। बेटा आप सोच रहे होंगे सेल के सामने वाली क्यों नहीं लिख सकते, ये भी तो 50,000 है बेटा, थोड़ी देर में डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। इसी वजह से बोल रहा हूं बेटा आपको हमेशा क्या करना है, जिस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है कभी भी नाम उसका नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट में सेल्स का नाम नहीं आता, कैश में कैश का नाम नहीं आता, परचेस में परचेस का नाम नहीं आता, नाम हमेशा सामने वाली साइड का आता है बेटा। कैश के सामने वाली साइड बेटा सेल्स है, मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट बेटा बिल्कुल कैश के सामने वाली लिखनी है मुझे, मुझे कभी सेल्स के सामने वाली अमाउंट नहीं लिखनी, ठीक है ना? थोड़ी देर में डिफरेंस पता लग जाएगा बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्लियर है बात? तो बेटा मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपए, और तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है बेटा। बाबू इसके बाद कोई भी टी शेप अकाउंट कैसे क्लोज किया जाता है बेटा? हम इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, और आपको बेटा बैलेंसिंग सीखनी है, ठीक है ना? इतना आपने कर लिया बेटा, और कोई एंट्री नहीं है, अकाउंट को क्लोज कर दो, कैश तो और कहीं है ही नहीं बेटा, कोई मैंने कोई और जर्नल एंट्री दी नहीं आपको, तो हम क्या करेंगे बेटा इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। और बैलेंसिंग कैसे की जाती है बेटा? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लो इन रफ, जो भी बेटा हाईएस्ट टोटल है दोनों में से, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। बेटा डेबिट साइड का टोटल मेरा 50,000, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है जीरो, तो बेटा हाईएस्ट टोटल इज 50,000, दोनों तरफ लिख दो। बेटा मैंने डेबिट साइड भी लिख दिया 50,000, मैंने क्रेडिट साइड भी लिख दिया 50,000, ठीक है जी? बैलेंस कहां पर बच रहा है बेटा? देखो ये तो 50,000 ही है बेटा, यहां बाबू लिखा हुआ है जीरो, तो मैंने टोटल कैसे 50,000 लिख दिया, यानी कि बेटा बैलेंस यहां आ रहा है 50,000 रुपए का। तो बेटा आपने यहां पर बैलेंस लिखा बेटा 50,000 रुपए का, इसे हम लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, क्लियर बात? क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा बेटा, कैश अकाउंट बना रहे थे, कैश अकाउंट में कभी कैश अकाउंट का नाम नहीं आता, सामने वाली साइड लिख दी बेटा कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड है, पोस्टिंग करी डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया, ठीक है जी? उसके बाद बेटा हम क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग कर रहे हैं। कोई भी अकाउंट को ऐसे मत छोड़ाना बेटा बिना बैलेंसिंग के, जो कुछ करके आओगे सब जीरो है बेटा। बैलेंसिंग सबसे जरूरी चीज है अकाउंट में। बैलेंसिंग कैसे की जाती है बेटा? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल कर लो इन रफ बेटा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, और उसके बाद बेटा हम बैलेंस निकालते हैं। निकाल दिया बैलेंस बेटा, बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के बाद यहीं मत छोड़ाना, बहुत सारे प्राइवेट राइटर यहीं क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, सर कभी ऐसा नहीं होता। बेटा एक बार आपने बैलेंस कैरेट डाउन करा, उसके बाद ब्रॉड डाउन करना जरूरी है, और ब्रॉड डाउन किस साइड होता है? हमेशा अपोजिट साइड होता है। अगर बैलेंस कैरेट डाउन बाय साइड है तो बेटा ब्रॉड डाउन कहाँ होगा? टू साइड में होगा, और नाम आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस है बेटा 50,000। समझ आई बात? देखो ऐसा हो सकता है पहला अकाउंट जो बना रहा हो मेरे साथ, जो पहली बार अकाउंट बना रहा है, उसे मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मैं बोलूं बेटा सबसे थके हुए चैप्टर में से चैप्टर लेजर है बेटा। जब ये इसी चीज को आप 20 बार कर लोगे ना, थक के कहोगे क्या है ये, बेकार है, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, बस ठीक है जी हो गया, ठीक है जी इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। अब यहां पर एक आखिरी बात भी बोल देता हूं बाबू, जब भी डेबिट साइड ग्रेटर होगी क्रेडिट साइड से, बेटा जो बैलेंस निकल कर आएगा उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, जैसे कि बेटा कैश अकाउंट में हो रहा है। मेरी डेबिट साइड 50,000 थी, क्रेडिट साइड जीरो थी, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड ना, तो बेटा
जो बैलेंस निकल कर आएगा, जो ये 50,000 का बैलेंस निकल कर आया, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ध्यान रहेगी बात। और अगर वाइसा वर्सा, अगर बेटा उल्टा हो तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो बेटा जो बैलेंस निकल कर आएगा उसका नाम क्या है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, अभी आ जाएगा बेटा, ये लो। चलो जी, सेल्स अकाउंट बनाएंगे बेटा मेरे साथ साथ। आप अपनी कॉपी में नहीं बना रहे, यहाँ पर बनवा रहे हैं बेटा। कोई भी अकाउंट हो क्या होता है बेटा, कितनी साइड है हमारे पास? दो साइड है, टी शेप अकाउंट है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितने कॉलम और राइट में कितने कॉलम? चार चार बेटा। पहले कॉलम का नाम है डेट, दूसरे का है पर्टिकुलर, तीसरा JF, चौथा अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। लो जी, फटाफट से बनाता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। बाबू अब हम क्या कर रहे हैं? सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था जितने भी अकाउंट जर्नल एंट्री में आएंगे सबका बेटा एक एक लेजर बनेगा। तो सेल्स का लेजर बना रहे हैं आराम से। रूल ऑफ पोस्टिंग याद रखना, सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा? बाबू जिस अकाउंट को आप बना रहे हो उसकी साइड देखो क्या है। वो डेबिट साइड लिखा है क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड होती है। यानी कि पोस्टिंग तो यहां पर होगी, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन बेटा सेल्स में कभी सेल्स का नाम आएगा? सेल अकाउंट में कभी सेल का नाम नहीं आ सकता। हमेशा नाम किसका आता है? सामने वाली साइड का। ये लो जी, यानी कि बेटा सेल अकाउंट में नाम आएगा बाय कैश अकाउंट। नाम आएगा बेटा बाय कैश अकाउंट। लेकिन बेटा जो आप अमाउंट लिखोगे वो कौन सी लिखोगे? वो सेल्स के सामने वाली लिखना, ठीक है ना। जिस अकाउंट को बना रहे हो उसके सामने वाली अमाउंट लिखना, हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा आपने अमाउंट कितनी लिखी होगी? 50,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं, बैलेंसिंग कराओ बेटा। बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस ऑन बोथ साइड। डेबिट साइड का टोटल क्या है? जीरो। क्रेडिट का 50,000। हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो बेटा। हाईएस्ट टोटल 50,000 है, मैंने दोनों तरफ लिख दिया बेटा। अब बैलेंस निकालो बेटा। यहाँ 50,000 लिखा है, 50,000 ही टोटल है, यहाँ तो कोई बैलेंस नहीं आ रहा। यहाँ जीरो लिखा है और 50,000 टोटल है, यानी कि बैलेंस बेटा इसी साइड आ रहा है। ये बेटा मेरी टू साइड है, बैलेंस निकालो जी। टू बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं करके आना, हमेशा बैलेंस को ब्रॉड डाउन जरूर करना है बेटा। तो करो जी बैलेंस को ब्रॉड डाउन बेटा। बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा अपोजिट साइड होगा। अगर टू साइड कैरेड डाउन हुआ है तो बेटा अपोजिट साइड ही ब्रॉड डाउन होगा, यानी कि बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बैलेंस है बेटा 50,000। खत्म क्वेश्चन। यहां पर सोचो बेटा, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? डेबिट साइड में 50,000 थे, क्रेडिट साइड में 50,000 थे, डेबिट साइड में बेटा जीरो था, ठीक है ना। ऐसा ही तो हुआ है ना बेटा, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो बेटा ये जो बैलेंस निकल कर आया है इसको आप क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा ये क्रेडिट बैलेंस निकल कर आया 50,000 रुपये का। कोई दिक्कत तो नहीं, बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं बेटा, कन्फ्यूज नहीं रहना। क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है। क्रेडिट साइड ग्रेटर थी, 50,000 थी, डेबिट साइड इज जीरो, बैलेंस आया 50,000। क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है और डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड निकलता है, ठीक है जी, बात ओके। बढ़े आगे, एक एक एंट्री से खत्म किया बेटा मैंने भी लेजर को, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे 3, 5, 7, 9, 10, 11 ऐसे कुछ करते हैं तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा एक आधा करके क्वेश्चन, ठीक है जी। अभी आपको एक बात बता देता हूं, सेल्स अकाउंट से रिलेटेड ये जो मैंने बात लिखी है ना, इसमें मैंने गड़बड़ की है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखने बैठ गए तुम परमात्मा हो, अभी देख के बताओगे ऐसे, ऐसे नहीं। मैं बताऊंगा खुद से गलती, लेकिन बेटा 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है जी। आखिरी लेक्चर में बताऊंगा इसके, जब आखिरी लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, ठीक है जी। 1 मिनट में क्लिक करेगी आपको,
अभी छोड़ दो, अभी तो मान के चलो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, ठीक है जी, ओके बात नोट करो फटाफट से जिसने नोट करना है। लो बेटा आज का एग्जाम्पल नंबर टू। बेटा अभी ना ऐसे ही क्वेश्चन 5-7 करने हैं, लेकिन अब स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है बेटा, आपको भी आप भी सोने लगोगे, मैं भी सोने लगूंगा, क्योंकि जब किसी चीज़ में कोई लर्निंग नहीं होती ना, वो चीज़ बहुत बोर करती है आपको। एक ही जैसी चीज़ है बेटा इस पूरे चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी करेंगे और 2 से 3 लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे बिल्कुल। लो प्यारे बच्चों सामने देख रहे हैं आप, बेटा अब मैं 3 जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन करूँगा जिसमें 5 जर्नल एंट्री करूँगा, फिर बढ़ाता ही चला जाऊँगा। तो बेटा सबसे पहले स्टार्टेड आ बिजनेस विद कैश, फटाफट से मेरे साथ नोट करते चले जाओ, ये स्टार्टेड आ बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,000। बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद बनाएंगे लेजर। चलो जी जर्नल एंट्री तो आपसे ही पूछ लेनी चाहिए, मैंने तो इतनी करा दी, मैं तो थक चुका हूँ करा कर आके, ठीक है ना। सबसे पहली जर्नल एंट्री पार्थ बताएगा, क्या बता भाई क्या कह रहा, हाँ तू बता, तू बता इधर। स्टार्टेड आ बिजनेस विद कैश, ये पहली जर्नल एंट्री है, हैं समझ नहीं आ रही, ऐसे थोड़ी समझ आएगी तुझे, थप्पड़ खा खा के समझ आएगी, वही समझाएगी तुझे, इसके बाद तो बस वही समझा सकती है। हाँ अबे तो ये इसके चक्करों में पढ़, यहाँ खड़ा करके बेटे पूरी रिकॉर्डिंग करवा दूंगा तेरी। क्या एंट्री होती है घर बता भाई बिजनेस स्टार्ट करने की, तो कह रहा था जनरल एंट्री आती है तेरे को, बता आ जाएगा चैप्टर समझ क्या है। अच्छा फिर क्या होगी कृष्ण एंट्री। बेटा ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री नहीं बता, 2 बार चैप्टर खत्म कर चुका हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख दिया, नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या लग रहा होगा तुम्हें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राघव क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राघव तनेजा जी किससे पूछ रहा था। चलो जी बेटा सामने देखना मेरी तरफ, अब हमें बनाने हैं लेजर, स्पीड पर बनाएंगे, पहले आप मेरी तरफ देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, सारे काम धंधे छोड़ दो। बेटा जैसे ही आप जर्नल एंट्री कर लेते हो सबसे पहले ना ये सोचा करो टोटल लेजर बनाओगे कितने, मैंने बोला है बेटा हर अकाउंट का 1 लेजर बनेगा, बस ये ध्यान रखना है, ये टर्म मत भूलना, हर अकाउंट का 1। अक्षत मैं यहाँ पढ़ा रहा बाबू, कर क्या रहा है तू, बेटा हर अकाउंट का 1 लेजर बनेगा, कैश अकाउंट 1 लेजर तो इसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट 2 नंबर लेजर इसका, परचेज अकाउंट 3 लेजर इसका, कैश अकाउंट सर 1 अकाउंट का 1 ही लेजर बनेगा, कैश का लेजर ऑलरेडी बन चुका है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, बैंक अकाउंट 4th लेजर इसका, तो कैश अकाउंट का लेजर पहले ही बन चुका है सर, 1 अकाउंट का 1 लेजर बनेगा, क्लियर है बात, यानी कि बेटा अब टोटल नंबर ऑफ लेजर कितने बनेंगे, 4। बनाएं फटाफट से, आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना रहे हैं, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, फॉर्मेट के बाद सामने देखना, ठीक है जी, फटाफट से फॉर्मेट बनाओ 4ों का।
लो जी बच्चों सामने देखना, बस बेटा अभी सामने देखो आप, फटाफट से फिनिश करते हैं इसको। बेटा अब सबसे पहले कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है हमारे को। सबसे पहले ये देखना होता है बेटा कैश अकाउंट लिखा कहाँ पर है। कैश अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है बेटा। पोस्टिंग लेफ्ट हैंड साइड में होगी यानी कि यहाँ पर, लेकिन बेटा कैश अकाउंट में कभी कैश का नाम नहीं आता। नाम किसका आता है बेटा, हमेशा सामने वाली साइड का। तो बेटा सामने क्या लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यही लिख रहा हूँ मैं, टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट कैश के बिल्कुल सामने वाली, यानी कि बेटा ये 1 लाख। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? अगली जर्नल एंट्री देखो, क्या यहाँ पर कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा। कैश इज ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी ऑन क्रेडिट साइड, लेकिन बेटा नाम किस साइड का आएगा, सामने वाली साइड का, यानी कि बेटा बाय परचेज अकाउंट 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये 30,000 जो मैंने अमाउंट, सॉरी 60,000 लिखनी है बेटा। हूं बेटा ये जो 60,000 आप अमाउंट लिख रहे हो ना, ये कैश के सामने वाली लिख रहे हो। मैं परचेस के सामने तो देख ही नहीं रहा क्या लिखा है बेटा। ठीक है जी, अक्षर इसकी पोस्टिंग बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड करूं और क्या लिखूं? क्या बिल्कुल जी बेटा, मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000। मैंने ये अमाउंट कैश के सामने वाली लिखी है बेटा। बैलेंसिंग करें अकाउंट्स की, फटाफट कर दो बैलेंसिंग इसी की। तो बेटा एक एक करके बैलेंसिंग कर देंगे, सबसे पहले बैलेंसिंग इसी की कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करते हैं इन रफ। इसका टोटल आया 1 लाख, इसका टोटल आया 90,000। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड बेटा। हाईएस्ट इज 1 लाख, 1 लाख मैंने दोनों तरफ लिख दिया बेटा। अगर इस तरफ 90,000 था तो मुझे इसे 1 लाख पूरा करना है। तो बेटा बैलेंस आ रहा है यहां पर, इसका नाम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन करना मत भूलना, ब्रॉड डाउन करे बिना क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ आपका बेटा। तो बेटा अगर बाय साइड ब्रॉड कैरेट डाउन किया है तो हमेशा ब्रॉड डाउन टू साइड होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। कैश अकाउंट फिनिश, बढ़े आगे कैपिटल अकाउंट पे चर्चा करते हैं फटाफट से बेटा। प्रियांशी कैपिटल कहाँ लिखा है, पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या नाम लाएगा बेटा? कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, और नाम आएगा सामने वाली साइड का बाय कैश। लेकिन बेटा अमाउंट कैपिटल के सामने वाली, कैपिटल के सामने लिखा है 1 लाख। सेकेंड और थर्ड एंट्री में बेटा कैपिटल का कोई नाम नहीं है दूर दूर तक। तो बेटा ये अकाउंट यहीं फिनिश हो जाता है। बाबू बैलेंसिंग कर दो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 1 लाख। तो बेटा हाईएस्ट टोटल को मैंने दोनों तरफ लिख दिया है और बेटा बैलेंस निकाल दिया है, टू बैलेंस कैरेड डाउन 1 लाख। बिना ब्रॉड डाउन करे क्वेश्चन मत छोड़ कर आना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख। मंशी का परचेज अकाउंट बेटा, परचेज अकाउंट सेकेंड जर्नल एंट्री में आ रहा है और किसी भी एंट्री में नहीं है। जिस साइड लिखा है उसी साइड पोस्टिंग करेंगे, नाम क्या आएगा बेटा? लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट कौन सी लिखूं, परचेज के सामने वाली अमाउंट लिखेंगे बेटा 60,000 बेटा। और कोई भी एंट्री नहीं है तो परचेज अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड हाईएस्ट टोटल इज 60,000 बेटा। हाईएस्ट टोटल लिखने के बाद बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 60,000, और इसी को बेटा ब्रॉड डाउन भी कर दो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। चलो जी लास्ट अकाउंट बना रहे हैं बेटा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुशी कहाँ पर पोस्टिंग करूँगा बेटा, डेबिट साइड। क्या लिखूँ बेटा? बेटा बैंक अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, नाम आएगा बेटा टू कैश अकाउंट 30,000। ठीक है जी बेटा, बैलेंसिंग कर दो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 30,000।
बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30,000 और इसी को बेटा ब्रॉड डाउन भी कर देना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। ठीक है जी, समझ आया। एक एंट्री मैंने कर दी, तीन मैंने कर दी, पांच और सात का क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। ठीक है, कल की भी छुट्टी रहेगी बेटा, परसों की भी छुट्टी रहेगी। ठीक है ना, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ठीक है ना, इसी चक्कर में दो तीन क्वेश्चन होमवर्क दे के जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप वो दो तीन क्वेश्चन के जर्नल एंट्री और लेजर बना के रहेंगे। देख ले कैसे, तूने थोड़े इस साल पेपर देने हैं, तो आराम से दियो दो तीन साल बाद। सिट बता रहा, पहली जर्नल एंट्री आती नहीं, लेजर क्या बनाएगा। चलो जी बेटा, एग्जाम्पल नोट करने शुरू करो जो आप होमवर्क में करेंगे बेटा। अभी बताता हूँ तेरे को मैं, बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। बेटा एक जर्नल एंट्री आप सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं, मुझे एक बात यहीं पर सिखानी है फटाफट से। ये एग्जांपल नंबर 4 की पहली जर्नल एंट्री, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 60,000 बैंक 30,000, माने एंट्री क्या की होगी बेटा। बेटा जर्नल एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मानते हो एंट्री हुई होगी। कैश अकाउंट बेटा 60,000, बैंक आया है बेटा 30,000 का, कैपिटल के नाम के 90,000 आए हैं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। दो मिनट के लिए बेटा आप ये सोचो, जब मैं कैश अकाउंट बना रहा होऊंगा, लेजर बना रहूंगा, कैश अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, लेकिन नाम हमेशा सामने वाली साइड का आता है। कैश के सामने वाली साइड बेटा कैपिटल है, आपने लिखा होगा बेटा टू कैपिटल। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी उस बात की जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था बेटा, अमाउंट कैश के सामने वाली लिखना। दिखाई दे रहा है कैश और कैपिटल के सामने वाली अमाउंटों में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। अमाउंट कैश के सामने वाली आएगी, कैश अकाउंट बना रहे हो, और ऐसे ही जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक के सामने वाली आएगी।
क्लियर है ना ये बात बेटा, गलती मत कर क्या ना, समझ आई ना ये बात राघव? ओके क्लियर, मान्या ये बात समझ आई? चलो जी आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं हम, बाय बाय।